परमेश्वर के दैनिक वचन। मनुष्य का कार्य एक विस्तार और सीमा के भीतर रहता है। एक व्यक्ति केवल किसी निश्चित चरण के कार्य को करने में ही समर्थ होता है। वो संपूर्ण युग का कार्य नहीं कर सकता, अन्यथा वो लोगों को नियमों के भीतर ले जाएगा। मनुष्य के कार्य को केवल एक विशेष समय या चरण पर ही लागू किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य के अनुभव का एक दायरा होता है। परमेश्वर के कार्य की तुलना मनुष्य के कार्य से नहीं की जा सकती। मनुष्य के अभ्यास करने के तरीके और सत्य का उसका ज्ञान, ये सभी एक विशेष दायरे में लागू होते हैं। तुम ये नहीं कह सकते कि जिस मार्ग पर मनुष्य चलता है वो पूरी तरह से पवित्र आत्मा की इच्छा है, क्योंकि मनुष्य को केवल पवित्र आत्मा द्वारा ही प्रबुद्ध किया जा सकता है और उसे पवित्र आत्मा से पूरी तरह से नहीं भरा जा सकता। जिन चीजों को मनुष्य अनुभव कर सकता है वे सभी सामान्य मानवता के दायरे के भीतर हैं और वे सामान्य मानवीय बुद्धि में मौजूद विचारों की सीमाओं से आगे नहीं बढ़ सकती। वे सभी लोग जो सत्य वास्तविकता को जी सकते हैं इस सीमा के भीतर अनुभव करते हैं। जब वे सत्य का अनुभव करते हैं तो ये हमेशा पवित्र आत्मा द्वारा प्रबुद्ध सामान्य मानवीय जीवन का अनुभव होता है। ये उस तरह से अनुभव करना नहीं है जो सामान्य मानवीय जीवन से भटक जाता है। वे अपने मानवीय जीवन को जीने की बुनियाद पर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रबुद्ध किए गए सत्य का अनुभव करते हैं। इसके अतिरिक्त ये सत्य हर व्यक्ति के लिए अलग होता है और इसकी गहराई उस व्यक्ति की अवस्था से संबंधित होती है। ये कहा जा सकता है कि जिस मार्ग पर वे चलते हैं वो ऐसे व्यक्ति का सामान्य मानवीय जीवन है जो सत्य की खोज कर रहा है, और इसे ऐसा मार्ग कहा जा सकता है जिस पर पवित्र आत्मा द्वारा प्रबुद्ध कोई सामान्य व्यक्ति चल चुका है। कोई ये नहीं कह सकता कि जिस मार्ग पर वे चलते हैं वो ऐसा मार्ग है जिस पर पवित्र आत्मा चलता है। सामान्य मानवीय अनुभव में, क्योंकि जो लोग अनुसरण करते हैं वे एक समान नहीं होते, इसलिए पवित्र आत्मा का कार्य भी समान नहीं होता। इसके अतिरिक्त क्योंकि जिन परिवेशों का लोग अनुभव करते हैं और उनके अनुभव की सीमाएं एक समान नहीं होती, इसलिए उनके मन और विचारों के मिश्रण की वजह से उनका अनुभव विभिन्न अंशों तक मिश्रित हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी भिन्न व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार ही किसी सत्य को समझता है। सत्य के वास्तविक अर्थ की उसकी समझ पूर्ण नहीं होती और ये उसका केवल एक या कुछ ही पहलू होते हैं। मनुष्य सत्य के जिस दायरे का अनुभव करता है वो प्रत्येक इंसान की परिस्थितियों के अनुरूप बदलता है। इस तरह
एक ही सत्य के बारे में विभिन्न लोगों द्वारा व्यक्त ज्ञान एक समान नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य के अनुभव की हमेशा सीमाएं होती हैं और ये पवित्र आत्मा की इच्छा को पूरी तरह से नहीं दर्शा सकता और न ही मनुष्य के कार्य को परमेश्वर का कार्य समझा जा सकता। फिर भले ही जो कुछ मनुष्य द्वारा व्यक्त किया गया है वो परमेश्वर की इच्छा से बहुत बारीकी से मेल क्यों ना खाता हो, भले ही मनुष्य का अनुभव पवित्र आत्मा द्वारा किए जाने वाले पूर्ण करने के कार्य के बेहद करीब ही क्यों ना हो। मनुष्य केवल परमेश्वर का सेवक हो सकता है जो केवल वही कार्य करता है जो परमेश्वर उसे सौंपता है। मनुष्य केवल पवित्र आत्मा द्वारा प्रबुद्ध ज्ञान और व्यक्तिगत अनुभवों से प्राप्त सत्यों को ही व्यक्त कर सकता है। मनुष्य अयोग्य है और पवित्र आत्मा का निर्गम बनने की शर्तों को पूरा नहीं करता। वो ये कहने का हकदार नहीं है कि उसका कार्य परमेश्वर का कार्य है। मनुष्य के पास मनुष्य के कार्य करने के सिद्धांत हैं। सभी लोगों के अनुभव अलग होते हैं और उनकी स्थितियां अलग होती हैं। मनुष्य के कार्य में पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता के अंतर्गत उसके सभी अनुभव शामिल होते हैं। ये अनुभव केवल मनुष्य के अस्तित्व का ही प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ये परमेश्वर के अस्तित्व का या पवित्र आत्मा की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि मनुष्य जिस मार्ग पर चलता है उसी पर पवित्र आत्मा भी चलता है, क्योंकि मनुष्य का कार्य परमेश्वर के कार्य का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। मनुष्य के कार्य और अनुभव पवित्र आत्मा की संपूर्ण इच्छा नहीं है। मनुष्य का कार्य नियमों के चक्कर में पड़ सकता है और उसकी कार्य पद्धति आसानी से एक दायरे में सीमित हो जाती है और ये लोगों की स्वतंत्र मार्ग पर अगुवाई करने में असमर्थ होती है। अधिकांश अनुयायी एक सीमित दायरे में जीवन जीते हैं और उनके अनुभव करने का तरीका भी अपने दायरे में सीमित होता है। मनुष्य का अनुभव हमेशा सीमित होता है। उसकी कार्य पद्धति भी कुछ प्रकारों तक ही सीमित होती है और इसकी तुलना पवित्र आत्मा के कार्य से या स्वयं परमेश्वर के कार्य से नहीं की जा सकती, क्योंकि अंततः मनुष्य का अनुभव सीमित होता है। परमेश्वर अपना कार्य चाहे जिस तरह करे वो किसी नियम से बंधा नहीं होता। इसे जैसे भी किया जाए ये किसी एक पद्धति तक सीमित नहीं होता। परमेश्वर के कार्य के किसी प्रकार के कोई नियम नहीं होते। उसका समस्त कार्य मुक्त और स्वतंत्र होता है। भले ही मनुष्य परमेश्वर का अनुसरण करते हुए कितना ही समय क्यों ना बिताए, वो उसके निचोड़ कर ऐसे नियम नहीं निकाल सकता जो परमेश्वर के कार्य करने के तरीके का
संचालन करते हों, यद्यपि उसके कार्य के सिद्धांत हैं, फिर भी वो कार्य हमेशा नए नए तरीकों से किया जाता है और उसमें नए नए विकास होते रहते हैं और ये मनुष्य की पहुंच से परे होता है। एक ही समयावधि के दौरान परमेश्वर के पास भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य और लोगों की अगुवाई करने के भिन्न भिन्न तरीके हो सकते हैं, ताकि लोगों के पास हमेशा नए नए प्रवेश और नए नए परिवर्तन हो। तुम उसके कार्य के नियमों का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि वो हमेशा नए तरीकों से कार्य करता है और केवल इस तरह परमेश्वर के अनुयायी नियमों से नहीं बंधते। स्वयं परमेश्वर का कार्य हमेशा लोगों की धारणाओं से परहेज करता है और उनका विरोध करता है। जो लोग सच्चे हृदय से उसका अनुसरण और उसकी खोज करते हैं, केवल वही अपने स्वभाव में बदलाव लाकर स्वतंत्रता से जी सकते हैं। वे किसी नियम या किसी भी धार्मिक धारणा के बंधन में नहीं बंधते। मनुष्य का कार्य लोगों से उसके अपने अनुभव और जो वो स्वयं हासिल कर सकता है उसके आधार पर मांगे करता है। इन अपेक्षाओं का स्तर एक निश्चित दायरे के भीतर सीमित होता है और अभ्यास के तरीके भी बहुत सीमित होते हैं। इसलिए अनुयायी अनजाने में ही सीमित दायरे के भीतर जीवन जीते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है, ये बातें नियम और रिवाज बन जाती हैं। यदि एक अवधि के कार्य की अगुवाई कोई ऐसा व्यक्ति करता है जो परमेश्वर द्वारा व्यक्तिगत रूप से पूर्ण किए जाने से नहीं गुजरा है और जिसने न्याय प्राप्त नहीं किया है, तो उसके सभी अनुयायी धर्मावलंबी बन जाएंगे और परमेश्वर का विरोध करने में माहिर हो जाएंगे। इसलिए यदि कोई योग्य अगुवा है तो उसने अवश्य ही न्याय से गुजरकर पूर्ण किया जाना स्वीकार किया होगा। जो लोग न्याय से नहीं गुजरे हैं, उनमें भले ही पवित्र आत्मा का कार्य हो, वे केवल अस्पष्ट और अवास्तविक चीजों को ही व्यक्त करते हैं। समय के साथ वे लोगों को अस्पष्ट और अलौकिक नियमों में ले जाएंगे। परमेश्वर का कार्य मनुष्य की देह से मेल नहीं खाता, वो मनुष्य के विचारों से मेल नहीं खाता, बल्कि मनुष्य की धारणाओं का विरोध करता है। ये अस्पष्ट धार्मिक रंग से कलंकित नहीं होता। परमेश्वर के कार्य के परिणामों को ऐसा व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है जो उसके द्वारा पूर्ण नहीं किया गया है। वे मनुष्य की सोच से परे होते हैं।